ओरिजिनल चार्जर आपके मोबाइल या फिर डिवाइस को ख़राब कर सकता है। ये आपके बैटरी को हार्म करता है जब आप अपना जो बैकग्राउंड में से ऐप को डिलीट करते हो। ओवरनाइट चार्जिंग से आपकी बैटरी फुल जाती थी, सॉलिंग हो जाती थी, इसकी वजह से वो बैटरी खराब होने का चांस रहता है। हायर मेगापिक्सल मींस हाई क्वालिटी इन वीडियो, हाई क्वालिटी इन इमेजेस, सबसे बड़ा मिथ है, आपको मैं क्लियर करता हूँ कैसे। व्हाट इज अप गाइस, आर यू वाचिंग टेक अनस्क्रिप्टेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मोबाइल फोन के मिथ्स के बारे में, जो कि अभी तक आप अपने माइंड के अंदर सजा के बैठे हो कि अगर हम अपने स्मार्टफोन के साथ ऐसा करेंगे तो हमारा स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपका स्मार्टफोन आपसे ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस हो चुका है, तो ये जितने भी मिथ्स हैं जो कि पहले के टाइम ये वर्क करते थे लेकिन अब ये मिथ ही रह गए हैं, तो इसे आज मैं बस्ट करके बताऊंगा और आपको बताने वाला हूँ कि क्या सही आपके मोबाइल के लिए और क्या गलत है, जिसके बाद आप अपने मोबाइल को इजीली यूज़ कर पाओगे और वो जो डर है उसे आप अपने दिमाग से हटा दोगे। मिथ नंबर वन, जब आप ऐप को यूज़ करने के बाद रिसेंट में छोड़ देते हो, यानी कि बैकग्राउंड में छोड़ देते हो, उसको आप जब क्लियर करते हो तो आपको लगता है कि आप अपनी बैटरी सेव कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये भी एक तरह का मिथ है, इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ आसान शब्दों में। जैसे कि आप सबको मालूम है आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट हो गया, तो अभी के जो भी ये सॉफ्टवेयर है वो उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको डिलीट कर दोगे बैकग्राउंड से तो आपका बैटरी बचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा ये आपके बैटरी को हार्म करता है जब आप अपना जो बैकग्राउंड में से ऐप को डिलीट करते हो। कैसे, इजीली मैं समझाता हूँ। देखो, जब भी आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो तो ऐप को ओपन करने में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू रीसेंट में से ओपन करने के लिए। और जो रीसेंट में ऐप होते हैं वो आपको मालूम है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो, इसलिए रीसेंट में वो ऐप या फिर बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। इसलिए अगर आप ऐप को ना क्लोज करो, रीसेंट से ही ओपन करो, तो बहुत ही इजी होगा। आसान शब्दों में, किसी चीज़ को आपने सामने ला के रख दिया है और वो चीज़ को आप सामने से उठा के लेके जाओ तो बहुत ही इजी होगा, लेकिन वो चीज़ को आप वापस वहीं रैक पे रख के आ रहे हो, फिर वहीं से रैक पे जाके वापस उठा के ला रहे हो, तो वो आपको बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, इन द सेंस मोबाइल के लैंग्वेज में टाइम कंज्यूमिंग और बैटरी कंज्यूमिंग दोनों हो जाता है। तो ये मिथ है कि आप अपने बैकग्राउंड में से जब ऐप को क्लोज करते हो तो आपका बैटरी लाइफ बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। स्मार्टफोन ज़्यादा स्मार्ट हो गया तो ये मिथ है। मिथ नंबर टू, ओवरनाइट चार्जिंग से आपकी बैटरी का हेल्थ ख़राब होता है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। पहले के टाइम पे जितने भी मोबाइल आते थे वो ओवरनाइट चार्जिंग से आपकी बैटरी फुल जाती थी, सॉलिंग हो जाती थी, इसकी वजह से वो बैटरी ख़राब होने का चांस रहता है। लेकिन अभी के टाइम पे आपका स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया, इसके लिए ओवरनाइट चार्जिंग अभी वर्क नहीं करता। यानी कि जब आप चार्ज पे मोबाइल लगा देते हो, चार्ज पे मोबाइल छोड़ देते हो रात भर के लिए, तो जब उसका 100% क्लियर हो जाता है, फुल हो जाता है, तो वो खुद ब खुद चार्ज लेना बंद कर देता है। आपको शो तो करेगा कि चार्जिंग हो रहा है लेकिन वो एक्चुअली चार्जिंग नहीं होता। ये सब मैं बात कर रहा हूँ एडवांस मोबाइल की, जैसे कि अभी के टाइम पे जितने भी मोबाइल आ रहे हैं वो। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ओवरनाइट चार्जिंग है वो अभी मोबाइल में काम नहीं करती, जैसे ही मोबाइल चार्ज हुआ वो खुद ब खुद बंद कर देती है चार्ज लेना। लेकिन अभी के एडवांस मोबाइल में आपको ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग भी दिखता है, जिसको आप 12 बजे के बाद अगर चार्जिंग पे लगाते हो, या फिर जो आपका मोबाइल है वो आपके हैबिट को समझ के खुद ब खुद ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग ओपन कर लेता है, जिसके बाद आपका मोबाइल बहुत ही देर के बाद चार्ज होता है। यानी कि आप रात के 12 बजे के बाद अगर मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो तो वो आपका सुबह 5 बजे ही तक फुल होगा, तो ये भी बहुत ही एडवांस है। तो ये भी एक मिथ था जो आपका क्लियर हो गया रहेगा कि रात भर मोबाइल चार्जिंग पे लगाने से ख़राब होता है। हाँ, अगर ये आपका मोबाइल पुराना है तो इसके लिए वरी करो, लेकिन नया मोबाइल है तो उसके लिए वरी मत करो। मिथ नंबर थ्री, हायर मेगापिक्सल मींस हाई क्वालिटी इन वीडियो, हाई क्वालिटी इन इमेजेस, सबसे बड़ा मिथ है, आपको मैं क्लियर करता हूँ कैसे। देखो, अभी के टाइम पे जितना भी मेगापिक्सल आपको दिखाए जा रहे हैं वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसकी वजह से आप वो फ़ोन खरीदते हो। 108 मेगापिक्सल का आपने फ़ोन खरीदा होगा लेकिन वो आपको 16 मेगापिक्सल से भी अच्छा क्वालिटी नहीं दे सकता। यानी कि अगर कंपैरिजन करें, मेरे पास समझो 48 मेगापिक्सल का कोई फ़ोन है, रेडमी हो चाहे रियलमी हो, वो आपको आईफोन या फिर सैमसंग की 16 मेगापिक्सल से ज़्यादा बेटर इमेज क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी मेगापिक्सल आपको बताए जाते हैं ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है और कुछ नहीं। अगर आपको इस पर डीप नॉलेज चाहिए तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, अगर मैं इस पर बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ये मिथ है कि हाँ, ज़्यादा मेगापिक्सल यानी कि ज़्यादा वीडियो और फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगी, नॉट क्लियर। इसको आप एक वीडियो में सजेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख लेना, आपको सब का सब मालूम पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मिथ नंबर फोर, मे बी यूजिंग अ नॉन ओरिजिनल चार्जर में हार्मफुल योर स्मार्टफोन और स्मार्टफोन बैटरी लाइफ।
पर ये एक तरह का मिथ है। इसको अगर मैं डीप में समझा नहीं जाऊँ तो आपको एक वीडियो में रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि मेरे चैनल में अपलोडेड है, वो आपको बताएगा कि कैसे एक नॉन ओरिजिनल चार्जर आपके मोबाइल या फिर डिवाइस को ख़राब कर सकता है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा नॉलेज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपके साथ जो फ़ोन के साथ जो चार्जर मिलता है वो दरअसल आपका ओरिजिनल चार्जर होता है, लेकिन अगर आप नॉन ओरिजिनल यानी कि जो दूसरे ब्रांड का होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये जो मिथ है ये इसके लिए बताया गया है कि आप जब फ़ोन का चार्जर लेने जाते हो तो आपको उतना नॉलेज नहीं होता है, आप एक ऐसे चार्जर को परचेस कर लेते हो जिसके अंदर जो मदरबोर्ड की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। इसकी वजह से जो वोल्टेज होता है यानी जो एम्पियर होता है, वोल्टेज एम्पियर, ये आपके बैटरी लाइफ को हार्म करता है और इसकी वजह से आपको आपका जो आउटपुट है चार्जर का उसकी वजह से बैटरी और स्मार्टफोन में थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगता है। इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाएगा कैसे एक हार्मफुल चार्जर आपके मोबाइल को हार्म कर सकता है। मिथ नंबर 5, आप सबको मालूम है कि आप जब मोबाइल को चार्जिंग का सोचते हो तो आप सोचते हो कि पूरा बैटरी जब हम उतार देंगे और फिर उसको चार्जिंग पे लगाएंगे 100% तक तो आपका बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अरे ये मिथ है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। आप सबको मालूम है कि अभी के टाइम पर जो मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, जिसका मोटिव ऐसा होता ही नहीं कि पूरा उतारो पूरा चार्ज करो। देखो, आप नॉर्मली जब मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो, माइंड में इतना ध्यान रखो कि जब मोबाइल आपका 20% के ऊपर हो, मतलब अंदर मत जान दो, ऊपर ही रहे 23-24, तो उसको लगा दो 80 तक लेके जाओ। 80 और 20 के बीच में भी फ़र्क रहेगा ना, मोबाइल आपका ओके रहेगा, बैटरी आपकी ओके रहेगी। और ये मिथ है कि हाँ पूरा बैटरी को उतार दो तब उसको फुल चार्ज करो, ये मिथ है। हाँ, ये तब काम करता है जब आपने अपने मोबाइल में नया बैटरी ऐड करवाया हो, यानी कि आपने मोबाइल में से बैटरी रिप्लेस कराया। नॉर्मली मालूम होगा आपको कि जैसे बाइक लेते नया तो आप कैसे स्पीड बढ़ाते हो, तेज़ भगाते हो, कि उसकी स्पीड थोड़े हमें चेकअप हो जाए, इसलिए बैटरी को चेक करने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है। तो ये नए मोबाइल में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको ख़त्म करो फिर पूरा चार्ज करो। मिथ नंबर 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मिथ भी है और फैक्ट भी है। पहले के टाइम पे जितने भी मोबाइल आते थे उसमें आप जब अपना ब्लूटूथ और वाईफाई जब ऑन छोड़ देते थे तो वो बैटरी कंज्यूम करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वाईफाई में जब आप ओपन करोगे तो वो सर्चिंग में रहता है, यानी कि वो अपना एनर्जी यूज़ कर रहा है तो वो बैटरी से एनर्जी लेता है। ब्लूटूथ भी सर्चिंग में रहता है तो वो एनर्जी यूज़ करता है। लेकिन अभी के टाइम पे मॉडर्न स्मार्टफोन के टाइम पे ये सारे के सारे मिथ ही रह गए हैं, ये आपको फैक्ट की तरह पे नहीं देखने मिलेंगे। जब भी आप वाईफाई या फिर ब्लूटूथ ऑन छोड़ देते हो तो ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करता है उसको, उसका टाइम उसे बता देता है कि इतने टाइम तक वो सर्च होगा, इतने टाइम तक वो सर्च लेना बंद हो जाएगा। पहले के टाइम पे जितने भी फ़ोन आते थे वो सर्चिंग पे ही रहते थे, इसकी वजह से बैटरी ड्रेनेज बहुत ही ज़्यादा होता था। इवन जब नेटवर्क कम हो जाता था, यानी कि आप ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क भी सर्च पे लेता था, इसकी वजह से बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी के टाइम पर सब ऑप्टिमाइज हो गया सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये भी एक मिथ है। तो आप समझ गए होंगे सारे जितने भी मिथ है। इसके अलावा भी अगर कुछ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। होप करता हूं कि मुझे पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।